लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार घबराई हुई नजर आ रही है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि उनके नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया जा रहा है। जो नेता या दल बीजेपी के साथ जाने से मना कर रहे हैं उन्हें ईडी सीबीआई के जरिए परेशान किया जा रहा है। लेकिन अब न सिर्फ विपक्षी नेता बल्कि मोदी सरकार ने घबराहट में अपने ही नेता पर कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या है पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। किसानों के मुद्दे पर खुलकर सरकार की मुखालफत करने वाले और पुलवामा मामले पर सनसनीखेज खुलासा करने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मोदी सरकार इतनी घबरा गई है, उनके खिलाफ ही केंद्रीय एजेंसियों को लगा दिया है। सत्यपाल मलिक ईवीएम के मुद्दे पर जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे। उससे पहले ही सीबीआई ने उनके आवास पर छापा मार दिया। जम्मू कश्मीर के कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने ये छापेमारी की है। सीबीआई ने गुरुवार सुबह पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के दिल्ली स्थित आवास और दफ्तर की तलाशी ली। इसके साथ ही केंद्रीय एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में भी 30 ठिकानों पर छापा डाला। वहीं मामले पर सत्यपाल मलिक का बयान भी सामने आ गया है। सत्यपाल मलिक ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा है, मैंने भ्रष्टाचार में शामिल जिन व्यक्तियों की शिकायत की थी उन व्यक्तियों की जांच ना करके मेरे आवास पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई है। मेरे पास 4-5 कुर्ते पायजामे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तानाशाह सरकार एजेंसियों का गलत दुरुपयोग करके मुझे डराने की कोशिश कर रही है। मैं किसान का बेटा हूँ, ना मैं डरूंगा ना झुकूंगा। अब जिस तरह से पूर्व राज्यपाल ने मोदी सरकार पर डराने धमकाने का आरोप लगाया है, साफ तौर पर सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। चुनाव से पहले विरोधियों पर शिकंजा कस रही सरकार की बौखलाहट भी अब दिखाई पड़ रही है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।